पुराने से पुराना कब्ज भी इस साग को खाने से दूर हो जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव साग है। इस साग को अपने खाने में डेली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन बहुत पुरानी बनी हुई है वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी। साथ साथ इस साग को खाने से और इसका सेवन करने से पाइल्स, फेस्टुला, फिशर जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। ये कौन सा साग है और किस चीज़ का बना हुआ है हम आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से बना है। इस साग को आप अपने भोजन में ज़रूर रखा करिए। तो चलिए हम बताते हैं। पहले आप इसका टेक्सचर देखिए, ये खाने में तो टेस्टी लगता है क्योंकि आपको जो पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट होते हैं उनको सब्ज़ी में मिर्ची वगैरह नहीं डालनी चाहिए। तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत स्पेशल तरीके से आपके हिसाब से सब्ज़ी बना के लेके आए हैं। ये साग बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके बीमारियों को दूर करने में, साथ साथ आपके पेट को, आपके डाइजेशन को भी बूस्ट करेगा। और कब्ज की जो शिकायत आपको बनी रहती है इसको अगर आप लगातार खाते रहेंगे, डेली अपने खाने में डालते रहेंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो को आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो देखिए जो साग बन रही है ये है मूली के पत्तों का साग। अक्सर क्या करते हैं, मूली तो खा लेते हैं लेकिन उनके पत्तों को फेंक देते हैं। तो आप पत्तों को फेंकिए ना, ये मूली के जो पत्ते होते हैं कब्ज को दूर करने के लिए रामबाण इलाज है। इसमें छोटे छोटे पीसेस भी देखिए मूली के हमने डाल दिया है। मार्केट में जब आप जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं मूली, जो पतली वाली मूली आती हैं वो साग के लिए यूज़ करने के लिए मार्केट में मिलती हैं। तो आप उस तरह की मूली के पत्तों को इकट्ठा करके ले आइए और आप इस तरह से इसके साग को बनाइए। उसमें छोटे छोटे मूली के टुकड़ों को डालना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले वॉश करके इसे इस तरह से छोटा छोटा काट के हम रख लिए हैं। तो इसी तरह से आप साग का सेवन करते रहिए। पत्तियों को आपको सैलड में भी यूज़ करना चाहिए। मूली आपकी बीमारियों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, चाहे पाइल्स के पेशेंट हो, फिशर के हों, फेस्टुला के हैं या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के हैं, उनके लिए मूली रामबाण दवा से कम नहीं है। ये मूली जो होता है इसका जूस आप अगर अपने खाने के आधे घंटे पहले दोनों टाइम पे लेते हैं तो आपकी पाइल्स, फिशर, फेस्टुला की बीमारी इसी मूली के जूस से ही ख़त्म हो जाती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी होती है। तो हमने ये वीडियो पहले अपलोड कर दिया है कि मूली का जूस को हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से, किस टाइम पर लेते हैं, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मूली का साग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए छोटा छोटा जो पीसेज है इस तरह से आप भी इसमें जो मूली के पत्तों को लेते हैं तो इसमें मूली को भी, इसके जो पीसेज होते हैं उसको भी काट दिया करिए। ये खाने में स्वादिष्ट लगता ही है, जैसे हमने आपको बताया कि आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरह से देखिए हमने काट लिया है। बस ऐसे ही आपको भी सबसे पहले ध्यान देना है कि मूली के पत्ते जो होते हैं उसमें कहीं कहीं ऐसे होते हैं जो डैमेज पत्ते होते हैं, उन पत्तों को आप बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। जो फ्रेश पत्ते हैं उन्हीं को आप लीजिएगा और सबसे पहले अच्छे से धुल के वॉश कर लीजिएगा, जिससे इसमें कुछ भी इसमें मिट्टी वगैरह के टुकड़े ना रहें। उसके बाद इस तरह से फाइन चॉप करके आप रखिएगा। तो इसको हम पहले से ही तैयार करके रख लिए हैं। अब चलिए देखिए बनाते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल वे में बनाना है क्योंकि आपकी जो बीमारी में ध्यान देने वाली बात होती है, ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा तेल मसाला, ये सारी चीज़ बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना होता है। तो उन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में रखा है कि आप किस तरह से बनाएं जो आपके हेल्थ के लिए हेल्दी हो। तो देखिए हम इसे एक कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं, एक चम्मच के करीब यहाँ पे हम तेल डाल रहे हैं। सरसों का तेल है। आप यहाँ पे आप कोकोनट ऑयल अगर यूज़ करते हैं, आप जो भी खाने में तेल यूज़ करते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक चम्मच के करीब तेल हमने डाल दिया है। इसमें आप मिर्च मंगा रहे हैं तो डालनी नहीं है, हरी मिर्च आपको खाने नहीं होता है ना लाल मिर्च। तो आप इसमें लहसुन आपकी बीमारी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, तो लहसुन को आप डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। पतला 2 से 3 कली लेके उसे छोटा छोटा चॉप करके आप इस तरह डाल दीजिए। और मेथी का दाना 1/4 चम्मच डालिए। ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये गैस, एसिडिटी जैसी समस्या भी पेट में बिल्कुल बनने नहीं देता है और पित्त को ये पूरी तरह से काटता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। तो इस तरह से जब ये लाल हो जाए, तो अब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, तब हम इसमें साग फ्राई कर देते हैं। हमने जब ये वीडियो बनाया था तो उसमें थोड़ी देर के लिए वीडियो हमारा पता नहीं कैसे कैमरा ऑफ हो गया था। उस समय जैसे हमने साग को जब डाला तो वो चीज़ इसमें नहीं आया है। तो ये देखिए साग को डालने के बाद इसको हम ढक देते हैं चला के और फिर इसको बीच बीच में चलाते रहते हैं। तो साग बनाना बहुत आसान है, बहुत सभी लोगों को आता है, लेकिन ये किस तरह से आप बना सकते हैं इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्दी डालना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हल्दी जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है और ये जाके पेट में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो अपने आप खाने में हल्दी ज़रूर डाला करिए। थोड़ा सा हल्दी इसमें ऐड कर दिए, बस इसे ढक के आप थोड़ी थोड़ी देर पे इसे चलाते रहिए, क्योंकि इस साग में ज़्यादा पानी नहीं आता है तो इसको लगने का डर होता है। तो इसे ध्यान से ढक ढक के इस तरह से
चलाइए। 2 से 3 मिनट के अंदर आपका ये साग बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट साग बनके तैयार हो गया। इसमें मिर्ची वगैरह कुछ नहीं पड़ा है, आपने देखा है। कई सारे व्यूवर्स हमारे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस बीमारी के लिए अच्छे अच्छे फूड और अच्छे अच्छे रेसिपीज़ दिया करिए, तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए साग की रेसिपी आपके साथ शेयर किए। तो ये देखिए हम आपको प्लेट में निकाल के दिखा रहे हैं, आप इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया और कितना स्वादिष्ट देखने में लग रहा है। ये खाने में तो अच्छा लगता ही है, आपके पेट के लिए बहुत हेल्दी है। तो आप इस तरह से साग को बनाइए और एंजॉय करिए। और आगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए अपनी बीमारी के लिए या फिर कोई रेमेडी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो इस तरह से साग को आप बनाइए, एंजॉय करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये साग की रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, अभी नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कई सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि पेशेंटों के लिए कैसे हम रेसिपीज़ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम खाना खा सकते हैं। और इस बीमारी के लिए पाइल्स फिशर फेस्टुला के लिए हमने कई सारी रेसिपीज़ दी है, रोटी दी है, स्मूदी दी है, जूस दिया है, सैलड बना के दिया है। आप उन सबको देखिए, उस तरह से अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।